हेलो एवरीवन, प्रीवियस वाली क्लास में हमने देखा कि ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग क्यों करते हैं और टेस्टिंग से हम कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इस वाली क्लास में हम देखेंगे कि एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्रांसफार्मर की। सो टुडेज टॉपिक इज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो नॉर्मली हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले तो हम देखेंगे कि एफिशिएंसी होती क्या है। तो टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट पावर इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। मींस अगर हम आउटपुट पावर को इनपुट पावर से डिवाइड कर देते हैं तो इससे हमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मिल जाती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। इस सिंबल्स को हम बोलते हैं ईटा। मींस एफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ईटा इज द सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, और हमेशा हम एफिशिएंसी को परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं। सो परसेंटेज ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू 100। एफिशिएंसी निकालनी है परसेंटेज फॉर्म में तो हम इनटू 100 करके एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है, ये बेसिक फॉर्मूला है एफिशिएंसी का। ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर को हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट को हम सिंपल फॉर्म में, जो हमारा पहला तो पावर का हम फॉर्मूला देखें, P इज इक्वल टू होता है हमारा वी आई कॉस फाई। ठीक है, वी आई कॉस फाई ये हमारा नॉर्मल पावर का फॉर्मूला है। अगर हमारा इनपुट पावर है तो हम इसमें वन वन लगा देंगे, और अगर आउटपुट है तो वी टू आई टू कॉस फाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट पावर हो गया, ये हमारा आउटपुट पावर हो गया। इसके थ्रू हम पावर को फाइंड आउट